मणिपुर की हिंसा पर विपक्ष के सवालों के जवाब के बजाय केंद्रीय महिला मंत्री स्मृति ईरानी का राज्यसभा में विशुद्ध राजनीति वाला गुस्सैल भाषण चर्चित हो रहा है। इस बीच राज्यसभा में स्मृति ईरानी के शोर शराबे वाले बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। सीतारमण ईरानी की पूरी ताकत के साथ चिल्लाने वाले इस बयान को सुनते हुए बेहद चौंकाने वाला एक्सप्रेशन दे रही थी। वो इतनी तेज आवाज सुनते हुए स्मृति ईरानी को देखने का मन भी बनाती हैं, देखती हैं और वापस मुड़कर फिर वही नो रिएक्शन एक्सप्रेशन मुद्रा में दिखाई देती हैं। गुस्से में तमतमाती चिल्ला चिल्ला कर बोलती स्मृति ईरानी मणिपुर की शांति की मांग करने वाले विपक्ष पर बरस रही थी। इस बीच उन्होंने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस शासित राज्यों को भी मणिपुर के जैसा हिंसाग्रस्त बताया। साथ ही मणिपुर के हिंसा का जिम्मेवार राहुल गांधी को बताते हुए कहा, राहुल गांधी ने कैसे मणिपुर में आग लगा रखी है। हाउ राहुल गांधी पुट मणिपुर ऑन फायर। मणिपुर पर स्मृति ईरानी की इस विशुद्ध राजनीति से ज्यादा चर्चा उनके बोलने के इस अंदाज की हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बात को कहने में इतना गुस्सा और बेवजह का फोर्स क्यों खर्च कर रही हैं केंद्रीय मंत्री। यही बात तो प्रधानमंत्री ने बड़े सामान्य लहजे में कह दी थी, फिर चिल्लाने की क्या जरूरत आन पड़ी। स्मृति ईरानी के इस बनावटी गुस्से पर वित्त मंत्री सीतारमण भी हैरान थी। आप देखें तो सभा में मौजूद अन्य बीजेपी नेता स्मृति को इंडोर्स भी कर रहे थे, डेस्क पीट रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री बिल्कुल भावचक्की बैठी रही। चेहरे पर सिर्फ विस्मय दिखाई दे रहा था कि ईरानी ये बात कहने में इतना क्यों चिल्ला रही हैं। जवाब देना नहीं है, राजनीति ही करनी है तो पीएम मोदी की तरह सामान्य लहजे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम क्यों नहीं गिना देती, इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत थी। इस बीच निर्मला पीछे मुड़कर स्मृति के चेहरे को भी देखती हैं, लेकिन मुड़कर फिर भी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बैठी रहती हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा, निर्मला अपने जुनून में मस्त हैं। नरेंद्र ने कहा, सोनी के हेडफोन में धुन सुन रही होंगी। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।